हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखने वाले बी ट्रिपल ई सीरीज में एसी। यार देखो, एसी तो अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं इतनी कोशिश करूंगा कि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छे से मैं आपको बता सकूं। ये एसी का बेसिक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आप सिंपल इतना सीख जाओगे कि एसी होता क्या है, एसी से जो करंट है वो जनरेट किस तरह से होता है, और हम एसी क्यों यूज़ करते हैं। डीसी तो था ही ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसी, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन पीरियोडिकली, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। भाई इसको जानने के पहले मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि अपना डीसी सर्किट जो था, अपना जो डीसी करंट था, उसमें क्या होता था, उसमें जो मेरा करंट था वो एक ही डायरेक्शन में, समझ रहे हो क्या, करंट कांस्टेंट रहता था उधर, मतलब ना कम ना ज़्यादा एक पर्टिकुलर अमाउंट का कांस्टेंट रहता था। अब वहाँ पे करंट कांस्टेंट क्यों रहता था, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने वोल्टेज अप्लाई किया और उधर के अंदर की जो रेजिस्टेंस है उनको हम कांस्टेंट रखते थे, इसीलिए उसके अंदर करंट जो फ्लो होता था वो कांस्टेंट फ्लो होता था। पर एसी में कुछ और होता है, एसी में थोड़ा अलग है, तो इसकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे तब समझेगा। क्या दिया गया है कि व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट वेरीज, वेरीज मतलब वेराई करना, वेरी करना मतलब अलग अलग होना, फिक्स नहीं रहना, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन पीरियोडिकली, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इनका कहने का क्या मतलब है पता है, जो एसी में करंट होता है ना वो कुछ कुछ टाइम के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, करंट की ताकत, वो कभी बढ़ती है तो कभी कम होती है, लेकिन कॉन्स्टेंट नहीं होती। करंट की जो ताकत है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती। साथ में उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बोले तो जो डायरेक्शन है वो कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव होता है, पर लेकिन जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, मतलब जो उसका डायरेक्शन है वो कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव होता है। पीरियोडिकली वो लोग अपने वो वेरी करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली वेरी करते हैं। तो अब सवाल आता है पीरियोडिकली क्या होता है। पीरियोडिकली यानी एक फिक्स अमाउंट के टाइम के बाद वो अपने आप कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, मतलब 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद। पीरियोडिकली मतलब एक फिक्स अमाउंट टाइम के बाद रिपीट होना, समझ रहे हो, एक फिक्स अमाउंट टाइम के बाद रिपीट होना। तो एक बार वापस हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पीरियोडिकली, जब ये चीजें होती है तो वो जो करंट होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो आगे एक और पढ़ लेते। अभी तो एसी वोल्टेज और करंट पीरियोडिकली पासिस होते डेफिनेट साइकिल से, मतलब जो एसी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज या फिर करंट वो एक डेफिनेट साइकिल से पीरियोडिकली पास होते हैं, मतलब पहले एक साइकिल, फिर 2 साइकिल, फिर 3 साइकिल, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट होते, वो लोग पीरियोडिकली पास होते। अब उस एक साइकिल में 2 हाफ साइकिल होती है, हाफ साइकिल यानी आधा वो पॉजिटिव जाता है आधा वो नेगेटिव जाता है। तो थ्रू डेफिनेट साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाफ फ्रॉम वन विच इज गोस इन वन डायरेक्शन एंड अनदर इट गोस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक टाइम वो पॉजिटिव जाएगा एक टाइम वो नेगेटिव जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ है, ये सिंपल डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। उसमें क्या हो रहा है, ये टाइमिंग है, टाइमिंग के साथ कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, लेकिन एसी का ग्राफ आप देख सकते हो टाइमिंग के साथ ये वेरी कर रहा है ऑपोजिट पॉजिटिव साइड में, फिर कुछ टाइम बाद वो नेगेटिव टाइम में वेरी कर रहा है। और ये जो है ना ये एक साइकिल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के हाफ साइकिल मिला के एक डेफिनेट साइकिल होती है, और यही चीज़ वो रिपीट करता है पीरियोडिकली। इस टाइम के बाद वापस इधर रिपीट करेगा, इधर रिपीट करेगा। तो ये तो सिंपल सा डेफिनेशन था कि एसी क्या होता है, कैसे हमें उसकी डेफिनेशन। लेकिन सवाल आता है कि एसी करंट जनरेट कैसे होता है, एसी करंट जो जनरेट कैसे होता है। तो अपने को सबको पता है कि जो टेस्ला करके बंदा था या फिर कोई तो बंदा था, उसको इतना वो बोलता यार क्या मैग्नेट से करंट जनरेट हो सकता है क्या, उसने ऐसा दिमाग लगाया, बोलता यार मैग्नेट इतनी अच्छी चीज़ है उससे करंट जनरेट होता है। तो उसने क्या किया पता है, उसने एक कंडक्टर को लगा लिया बीच में। उसने क्या किया, कंडक्टर क्या होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो उसने क्या किया, एक साइड नॉर्थ पोल रखा, एक साइड साउथ पोल रखा, और बीच में रख दिया कंडक्टर। तो साला कुछ नहीं हो रहा था। उसने क्या किया, वापस हिलो, पीछे लिया ना तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। वो कैसे पता चला, क्योंकि उसने करंट कंडक्टर को है ना गैल्वेनोमीटर, इधर एक गैल्वेनोमीटर रखा जिसमें करंट कुछ हो तो वो बताता है। तो उसने गैल्वेनोमीटर में चेक किया कि भाई वो डायरेक्शन हिला, कांटा हिला, तो उसने वापस है ना मैग्नेट के बाजू में देके वापस खींचा। तो जैसे ही जितनी ज़्यादा स्पीड से हम मैग्नेट के बाजू में कंडक्टर को आसपास कर रहे थे ना, तो उतना ज़्यादा करंट ऊपर नीचे हो रहा था, वो कांटा हिल रहा था गैल्वेनोमीटर में। तब उसने निकाला कि हाँ भाई मैग्नेट से भी करंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बेस पे भी उसने एसी करंट जनरेट करने का सोचा। तो क्या करते, कुछ नहीं होता भाई, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, अभी नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो ये दोनों को एक दोनों, लेकिन एक फिक्स्ड है,
ये दोनों फिक्स्ड है, मतलब हिल नहीं सकते। अब ये दोनों मेहनत कर रहे एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होने की, क्योंकि ऑब्वियसली है अगर दो चुंबक है तो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करने की जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को खींच रही है। अब इसके बीच में मैं कंडक्टर डाल दूं, कंडक्टर इस तरह से रखूं एकदम बीचों बीच फ्लैट में, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड को काट देगी। तो अगर मैं उस कंडक्टर को घुमाऊं, जैसे आप देख सकते हो ये है, ये दो कंडक्टर है, ये आधा इधर है और ये आधा इधर है। अगर मैं इसको घुमाऊं तो क्या होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड पूरी कट गई है, लेकिन ऐसा आएगा तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड पास होगी और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, फिर वापस घुमाऊंगा तो वापस काटेगा। तो जितनी ज्यादा स्पीड से मैं घुमाता था और इधर मैं क्या लगा देता था, इधर मैं है ना करंट वो जो पावर सप्लाई है यहाँ पे लगा देता था, मतलब इससे जो भी जनरेट हो रहा है वो जा रहा है अपने आगे जहाँ पे भी जरूरत है करंट स्टोर करने की। तो जब मैं ऐसा किया तो इसके अंदर जनरेट हुआ वोल्टेज, कौन सा, एसी वोल्टेज, समझ रहे हो, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको कहते हैं एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज जब मैं अप्लाई करता हूँ कोई भी सर्किट में, तो जो करंट बनता है, करंट मिलता है, उसको कहते हैं एसी करंट, उसको क्या कहते हैं, एसी करंट। तो ये था एक्चुअल कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो क्या, कुछ नहीं, मैं इसको घुमाऊंगा तो इसके अंदर क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो मैं स्टोर करूंगा, लेकिन इसके अंदर जो जनरेट होगा वो होता है ईएमएफ, जिसको कहते हैं एसी वोल्टेज, इसको क्या कहते हैं, एसी वोल्टेज। और इस तरह से ये काम करता है। अब आ जाते हैं उसके डेरिवेशन पे। तो फराडे क्या बोलता था, अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसने क्या बोला कि एक कंडक्टर में अगर मैं ऐसा करूं तो कितना जनरेट होगा वोल्टेज, बी एल वी साइन थीटा। अब इन सब की वैल्यू क्या मैं बता देता हूँ, बी का मतलब होता है फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसका मतलब है कि इसके अंदर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है एक दूसरे को खींचने की, वो उसका मतलब है बी का। अब आ जाते हैं वी, वी यानी लीनियर वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, कितनी स्पीड में मैं घुमा रहा हूँ वो वेलोसिटी। एल है एक्टिव लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, कितना लंबा है वो। थीटा है एंगल थीटा, प्लेन ऑफ द कॉइल ऑन एक्स एक्सिस, मतलब देखो अभी ये टोटली उसको काट रहा है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जाने नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा ऐसा आता है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास होती है, तो जो एंगल बनता है इससे थोड़ा सा भी, उसको कहते हैं थीटा। तो लेकिन जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे दो कंडक्टर है, तो जब दो कंडक्टर होते हैं तो उसकी पावर एक की कितनी बोली थी, बी एल वी साइन थीटा, तो दो की कितनी होगी, तो दो की होती है टू बी एल वी साइन थीटा। तो अब अपन क्या करते हैं, अगर मैंने थीटा को 90 डिग्री ले लिया, थीटा को 90 डिग्री ले लिया, मतलब ये जो इस तरह से था, मैंने अगर इसको स्ट्रेट कर दिया तो पूरी 100% ईएमएफ पूरा इंड्यूस होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और जितनी भी पूरी ताकत है ये पूरी इसको यहाँ पे जाएगी। तो जब वो होता है तो मतलब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो व्हेन थीटा इज 90 इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम। तो अपन वीएम देते कि वीएम कितना होता है, जब थीटा 90 होता है मतलब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो मैक्सिमम जब मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो कुछ नहीं करना है, वीएम यहाँ पे लिखना है, और टीटा की जगह मैंने क्या कर दिया, 90 लिख दिया। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, तो क्या होता है 2 बी एल वी, साइन 90 की वैल्यू 0 हो गई, मतलब वो 1 हो गई तो चली गई, 0 नहीं हुई, 0 होती तो पूरा 0 होता था। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई तो साइन 90 चला गया, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 वो खुद की वैल्यू होती है। तो 2 बी एल वी जो था ये वीएम की वैल्यू, अगर ये वैल्यू मैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन में डालूं तो 2BLV की जगह मैं VM लिख सकता हूँ, 2BLV की जगह मैं VM लिख सकता हूँ, तो V इज इक्वल टू VM साइन थीटा इस तरह से आता है। तो आगे आपको बहुत कुछ आने वाला है, VM साइन थीटा ये, VM साइन थीटा वो। तो अक्सर DC में वोल्टेज क्या था, सिर्फ V था, लेकिन एक्चुअल जो AC में होता है उसमें सिर्फ V नहीं होता, AC में वोल्टेज होता है VM साइन थीटा, यानी मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन थीटा, तो इतना याद रखना, ठीक है। अब आ जाते भाई एक टीटा की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करती है, ये जो टीटा है इसकी वैल्यू जैसे जैसे वेरी करती है उसके बेस पे अपना ग्राफ बनता है, उसके बेस पे अपना जो ग्राफ बनता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जब मेरा टीटा 0 होता है तो मेरा वोल्टेज होता है 0, लेकिन जब टीटा 45 होता है तो मेरा वोल्टेज होता है 0.707 वीएम। जब मेरा टीटा 90 होता है यानी मैक्सिमम, तो मेरी वी की वैल्यू होती है वीएम, सबसे हाईएस्ट। जब मेरा 180 होता है तो वी होता है वापस 0 पे, जब 270 होता है तो ये नेगेटिव में चला जाता है जिसकी वैल्यू होती है माइनस वीएम, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम। वापस जब ये थीटा 360 होता है तो मेरी वी की वैल्यू होती है 0 वोल्ट। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड साइन थीटा, एक साइन जो साइन ग्राफ है या फिर साइन वेव है, इस तरह से एक स्टैंडर्ड साइन वेव बनता है। वैसे एसी में बहुत सारी वेव्स हैं, एक ही वेव्स नहीं है, ट्रायंगुलर वेव है, रेक्टेंगुलर वेव है, स्क्वायर वेव है, लेकिन हम स्टैंडर्ड अगर देखा जाए और एसी पढ़े बहुत अच्छे से तो साइन वेव ही सबसे बेस्ट है आपको पढ़ने के लिए।
तो ये तो हो गया कि भाई एसी क्या होता है, किस तरह से जनरेट करते हैं। अभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी अगर आप डेफिनेशन भी वापस पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अब आ जाता है एसी क्यू। डीसी था ना, तो एसी क्यू लाया भाई, इसमें क्या ऐसा है, क्या ये कोई नई चीज है क्या? तो चलो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्या एडवांटेजेस में, द वोल्टेज इन दिस सिस्टम कैन बी रेस्ड और लोअर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब इसके अंदर जो वोल्टेज है वो मैं कभी भी बढ़ा सकता हूँ, कभी भी कम कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी वो डीसी में हम नहीं कर सकते, उधर कॉन्स्टेंट था, इधर मैं अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूँ, अपने हिसाब से कम कर सकता हूँ। हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन इज पॉसिबल विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब मैं हाई वोल्टेज एसी भी ट्रांसमिट कर सकता हूँ, डीसी में ऐसा नहीं है, बहुत सारा वोल्टेज हम नहीं ट्रांसमिट कर सकते थे लेकिन एसी में कर सकते। थर्ड, एसी मोटर्स जो होती है ना वो सिंपल होती है, चीप होती है और उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हाँ चल देख लिया, नहीं देखा तो चलता है। तो एसी मोटर्स आर सिंपल, चीप एंड रिक्वायर लेस अटेंशन फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाते फोर्थ, एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी। अभी बहुत सारी जगह पे डीसी चाहिए, फॉर एग्जांपल बैटरी चार्ज करने के लिए मोबाइल की, तो एसी करंट को आप इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतने सारे एडवांटेज थे, मतलब ये सब डीसी में नहीं थे, तो भाई इसीलिए हम एसी पढ़ते हैं। तो ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एसी क्या होता है। आगे हम सम्स देखने वाले और बहुत सारी चीजें देखने वाले। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पूरा कोर्स देखना है तो www.lastmomenttuitions.com पे जाओ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पूरा कोर्स है एसी डीसी बीडब्ल्यू पूरा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को, भाई बहुत लोगों को एसी नहीं समझ रहा तो उनको बताओ कि कितना ईजी है एसी और उसका कॉन्सेप्ट कितना ईजी है। बस शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मचाओ।